الخاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق الله العظيم. हम फौरन शुरू करते हैं. सदर जरदारी साहब कराची में हैं, वीडियो लिंक के थ्रू हमें ज्वाइन कर रहे हैं. एंड ही'ड लाइक टू हम सदर जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं वी प्लीज स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स विद हिज रिमार्क्स. मैं प्रेसिडेंट जरदारी साहब को और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को बतौर प्रेसिडेंट पीएमएलएन और को होस्ट एपीसी अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं. और आपकी यहाँ पर मौजूदगी हम सब के लिए यकीनन एक बड़ा इंस्पायरिंग मोमेंट है. और आपसे आज हम आपकी बातें सुनेंगे बड़े गौर से. मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच. सदर जरदारी साहब आप प्लीज इसमें मैं आए जी प्लीज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों. मैं सब दोस्तों को, सब लीडर्स को और ख़ास करके मियां साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनने ये बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे चेयरमैन की दावत पे आने का फैसला किया और साथ मिल के बैठे हैं. मैं मियाँ साहब की सेहत की भी दुआ करता हूं और उनको खुश आमदेद भी कहता हूं. इंशाल्लाह उनकी सेहत जल्द बेहतर हो जाएगी और वो हम सब में होंगे और फिर उस वक्त इंशाल्लाह तब तक अल्लाह उनको सलामत रखे. बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी. ये आ रही है आ रही है, आ रही है आवाज़, आ रही है मियाँ साहब. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. ये एपीसी मेरी नज़र में बहुत पहले होनी चाहिए थी. शायद मैं अगर जेलों में मौलाना साहब ने नहीं भेजा होता और शायद मैं होता तो आ जाता पहले, मगर क्या करें, मौलाना साहब का काम ये है कि किसी को आसरा दे के उसको कहना चल मैं आ रहा हूं. तो दोस्तों इस एपीसी के कामयाबी का जो सेहरा है वो आप सबके नज़र है. और ये आप देखें कि आपके एपीसी के खिलाफ जो चैगलियाँ कर रही है हुकूमत, जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है हुकूमत, यही आपकी कामयाबी है. ये क्या बात है कि मियाँ साहब को वो टीवी में लाइव नहीं दिखा सकते, जनरल मुशर्रफ को दिखा सकते हैं, मेरा इंटरव्यू बैन किया जा सकता है पार्लियामेंट से, पर वो एक डिक्टेटर जो भागा हुआ है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के इल्ज़ाम में, उसका इंटरव्यू दिखाते हैं, वो इनके लिए नापाक नहीं है. हम जमहूरियत में यकीन रखने वाले सब नापाक हैं. तो दोस्तों ये हालात आज के हैं, आज के हैं, मगर हमें पेम्ब्रा की ज़रूरत नहीं है. हमें लोगों से लोगों को पता है, लोग हमें सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, चाहे ये कितना भी हमें जरगोप न करें, कितना भी हमें बंद करने की कोशिश करें. जब से हम सियासत में हैं हमने कभी ये आलम नहीं देखा कि इतनी टीवी पे बैंड हो. और जिस तरह एक सीओ को जेल में डाला हुआ है, एक टीवी को बैन किया हुआ है 24 को पंजाब में, पंजाब से लाहौर से, तो ये सब इनकी कमजोरियों की निशानियां हैं. हम इसको इनकी कामयाबियां नहीं समझते. और ये चाहे कुछ भी समझें या करें, हमें इनकी ये कमजोरियां नजर आ रही हैं.
आजकल की मीडिया को बैन करना और बैन रखना तकरीबन इम्पॉसिबल है। नेट पे आजकल बलूचिस्तान का बच्चा भी जो है वो फोन पे बात बात करता है अपने दिल की, केपी का भी करता है, सिंध का भी करता है और पंजाब का, साउथ का, हर जगह का करता है, गिलगित बल्तिस्तान का भी करता है और उसको कोई रोक नहीं सकता। और भी मुझे और भी खुशी है कि आज हमारी बेटी मरियम बीबी भी यहाँ हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। वो हमारी बेटी हैं, मियाँ साहब की बेटी हैं, कौम की बेटी हैं। हमने देखा है कि उनने क्या तकलीफें बर्दाश्त की हैं और हम समझ सकते हैं, इसलिए कि मेरी खुद बहन जेल गई हैं, मेरी बीबी बेनजीर भुट्टो साहिबा जेल गई थी, तो मैं समझ सकता हूं कि इन दरिंदों ने उनके साथ कितनी तकलीफ के साथ उनने गुजारा होगा। मगर मैं उनको भी सलाम भी करता हूं, मरियम बीबी को, और उनको कहता हूं कि हम साथ हैं आपके, इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे, हम आपका कॉज जो है उस पर लड़ते रहेंगे और आप भी हमारी कॉज पे लड़ती रहेंगी, इसका मुझे यकीन है। ये हमारी कोई पहली एपीसी नहीं है। 1996 में भी, 2006 में भी बीबी साहिबा ने सऊदी अरेबिया जाके मियां साहब के साथ एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से हमने एक हमाहंगी मिलाई थी, बनाई थी, जिसमें हमने मुशर्रफ को भी घर भेजा और साथ साथ हमने 18th अमेंडमेंट भी पास की। 18th अमेंडमेंट हमने एक दीवार बनाई है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के गिर्द, ताकि कोई मैली आंख रखने वाला अंदर से या बाहर से पाकिस्तान को कमजोर न कर सके। मगर अफसोस ये जो न समझ हैं, जो सियासी बौने हैं, जिनको सियासत का पता नहीं, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के की सोच एक समझो के मेजर की सोच है और किसी की सोच नहीं है, और वो समझता है कि वो हमारी 73 से सही जुल्फकार अली भुट्टो से लेके वली खान से लेके मौलाना मौदूदी से लेके उस जमाने के लीडरों से वो ज़्यादा होशियार हैं, और उन सब ने मिल के 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और उनके ही नक्शे कदम पे चलते हुए हमने 18th अमेंडमेंट बनाई है। तो मेरे दोस्तों, मुझे ख्याल है, मेरे भाइयों, मुझे समझ आती है कि ये इस तकरीर के बाद और इस एपीसी के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में होऊंगा, मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा, समझे? तो उस मुलाकात का मुझे इंतज़ार भी रहेगा। हमने शुरू से इस मैनिपुलेशन के खिलाफ, इस जाली मैंडेट के खिलाफ, और मेरा ख्याल है बिलावल पहला हमारा चेयरमैन था जिसने पहले दिन कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट है। हमने कोशिश की 2 साल के किसी तरीके से जमहूरियत बचे, मगर मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा है। मेरी ये आप दोस्तों को हिदायत होगी और अर्ज होगी कि आप इस एपीसी में कोई लाए अमल तय कर लें, ऐसा लाए अमल तय करके हमें दें कि हम आगे चल के उससे जमहूरियत को मजबूत कर सकें और जमहूरियत को आगे बढ़ा सकें। इसलिए कि पहली बुनियाद जमहूरियत है, हर चीज़ की पहली बुनियाद मुल्कों की जमहूरियत होती है, उसके बाद प्रॉस्पेरिटी होगी, उसके बाद आप जाके कोई और काम करेंगे। मगर ये ऊपर से आके और नीचे समझते हैं कि हमने जमहूरियत कर दी, ये कोई जमहूरियत नहीं है, इस तरह मुल्क नहीं चलते। हम बलोचों के कॉज के लिए भी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में और दूसरी कौमों के लिए भी, दोस्तों के लिए भी। 18th अमेंडमेंट में सबसे ज़्यादा अगर हिस्सा मिलता है तो पंजाब को मिलता है, हम पंजाब के साथ भी हैं, हम साउथ पंजाब के साथ भी हैं, हम पूरे पाकिस्तान के साथ मिल के हकूमत शेयर करके, अपने सोचें शेयर करके और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने हमेशा दोस्तों को अपनी जगह पे अपने से ज़्यादा
तजीज दी है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि दोस्तों का उठना, हमसे बैठना, हमें बताना, हमें एडवाइस करना हमें कबूल है। ये जमहूरी थी ताकतों का, बाकी ताकतों के खिलाफ मैं हमेशा मुझे एक जो मेरे से पहले था तख्त नशीन इस तख्त पे, वो कहता था कि आपने फॉरेन ऑफिस से पूछ लिया है। मैं उसे कहता था नहीं सर, मैंने फॉरेन ऑफिस को बता दिया है, उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। तो ये सोच नहीं सकते उस जमाने के जो हालात थे, उस जमाने में जितनी इश्यूज थे, उस जमाने में जो जंगे लड़ी जा रही थी। खैर ये तो बहुत बड़ी बहस है और लंबी बहस है, आप बहुत दोस्त आए हुए हैं, तो मैं सिर्फ एक शायर की छोटी सी शायरी से इसका इख्तिताम करूंगा। मेरी दास्तां ए हसरत वो सुन सुन के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझको आजमा के रोए। ये मेरा मैसेज है पाकिस्तान की आवाम के लिए, और इंशाल्लाह हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए हैं, ना मिले हैं, हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। हमने पाकिस्तान बचाना है, हमने इस आफत से, इस मुश्किल से, इन बेरुखियों से पाकिस्तान बचाना है, और इंशाल्लाह फैज़ की आवाज़ में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया सदर सदारी साहब। अब हम लंदन से दावत देते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, एक वज़ीरे आज़म पाकिस्तान। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, मेरे भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, मोहतरम डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, मोहतरम सज्जाद साजिद मीर साहब, जनाब आफताब अहमद ख़ान शेरपाव साहब, जनाब मोहसिन ख़ान दावर साहब, जनाब जमालुद्दीन साहब जमालदीनी साहब, और जनाब अवैस शाह नूरानी साहब, नहायत मुअज़्ज़िज़ कायदीन, मोहतरम शुरुकाए कॉन्फ्रेंस और मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम आसिफ जरदारी साहब, अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए और खैर व बरकत अता फरमाए। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए भी हैं। उनसे परसों बात करके मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छी अच्छी हमारी बातें हुई, और जिस प्यार मोहब्बत से उन्होंने मुझसे बात की मैं कभी नहीं भुलाऊंगा। मैं कॉन्फ्रेंस के मेज़बान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और मौलाना फजल रहमान साहब का और तमाम मुअज़्ज़िज़ कायदीन का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कहने का आपने मौका फराहम किया। मैं वतन से दूर होते हुए भी अच्छी तरह जानता हूँ कि वतन अज़ीज़ किन हालात से गुजर रहा है और अवाम किन मुश्किलात का शिकार है। ये कॉन्फ्रेंस नहायत ही अहम मौके पर मुनक़िद हो रही है, बल्कि मैं तो इसे एक फैसला कुन मोड़ समझता हूँ। पाकिस्तान की खुशहाली और सही मानों में एक जमहूरी रियासत बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम हर तरह की मसलत
छोड़कर, हर तरह की मसलियत छोड़कर अपनी तारीख पर नजर डालें और बेबाक फैसले करें, और आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। मैं मौलाना फजल रहमान साहब की सोच से पूरी तरह मुत्तफिक हूं कि हमें रस्मी और रवायती तरीकों से हटकर इस कॉन्फ्रेंस को बामकसद बनाना होगा, वरना कौम को बहुत मायूसी होगी। और जो अभी ट्रेंड जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने सेट किया है, इसी को आगे लेके चलना है। आप सब जानते हैं कि 73 बरस से पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है। इन मसाइल की बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, और मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूं। मेरा भी तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान की खिदमत में काफी ज्यादा है, और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को जो मैं वजह बताना चाह रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान को जमहूरी निजाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। जमहूरियत की रूह अवाम की राय होती है, यानी मुल्क का इंतजाम वो लोग चलाएं जिन्हें अवाम अपने वोटों की अक्सरियत से ये हक दे। और हमारे आइन की इब्तदा भी इन्हीं अल्फाज से होती है कि अल्लाह ताला ही कायनात का हाकम मुतलक है, जिसका कोई शरीक नहीं, उसके तय करदा हदूद के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अवाम की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला इख्तियार एक मुकद्दस अमानत का दर्जा रखता है। आईन के मुताबिक हमारे जमहूरी निजाम की बुनियाद अवाम की राय पर है। दुनिया भर की जमहूरियतों का यही उसूल है। जब जमहूरियत की इस बुनियाद पर जर्ब लगती है और वोट की इज्जत को पामाल कर दिया जाता है, तो सारा जमहूरी अमल बिल्कुल बेमानी और जाली होकर रह जाता है। जब अवाम के मुकद्दस अमानत में खयानत की जाती है और इंतखाबी अमल से पहले यह तय कर दिया जाता है कि किसको जिताना है और किसको हरवाना है, इंतखाबात में धांधली से मतलूबा नताइज हासिल कर लिए जाते हैं और रही सही कसर हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ में निकाल दी जाती है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस किस तरह से अवाम को धोखा दिया जाता है और अवामी मैंडेट कैसे चोरी किया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस तरह के तजुर्बात की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया गया है। कोई नुमाइंदा हुकूमत बन भी गई तो उसे हर तरह की साजिश के जरिए से पहले बेअसर और फिर फारिग कर दिया जाता है। इसमें यह भी परवाह नहीं की जाती कि इससे रियासती ढांचा कमजोर होगा, अकवामे आलम में जग हंसाई होगी और अवाम का रियासती इदारों पर से एतमाद उठ जाएगा। ये बात पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि 73 साल तारीख में एक बार भी किसी मुंतखब वजीर आजम को अपनी 5 साल की आइनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। हर डिक्टेटर ने औसतन 9 साल गैर आइनी तौर पर हुकूमत की, जबकि अवाम के वोटों से मुंतखब वज़ीर आज़म को औसतन
2 साल से ज्यादा का अरसा शायद ही मिला हो। जर्नैलों की मुहिम जोई को रोकने के लिए 1973 के आईन में आर्टिकल 6 डाला गया, आर्टिकल 6। लेकिन उसके बाद भी 20 साल जर्नैली आमरियत के नजर हो गए। खवातीनों हजरात और जनाब सदर, जब एक डिक्टेटर को आईन शिकनी के जुर्म में पहली बार अदालत के कटहरे में लाया गया तो आपने देखा क्या हुआ, क्या हुआ? मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि जिस तरह हर माशाल्लाह को अदालतों ने जायज करार दिया, डिक्टेटर्स को आईन से खिलवाड़ करने का इख्तियार दिया, 3-3 सालों के लिए दिया, उसी तरह 2 बार आईन तोड़ने वाले को बरियत का सर्टिफिकेट भी अदालतों ही ने दिया। उसे एक दिन तो क्या, 1 घंटे के लिए भी जेल में ना डाला जा सका। पूरी दास्तान है मेरे पास जो किसी वक्त सुनाऊंगा कि कहां से कहां ले गए, जबकि आईन पर अमल करने वाले अभी तक कटहरों में खड़े हैं और जेलों में पड़े हैं। हमारी तारीख में तकरीबन 33 साल का अरसा फौजी आमरियत की नजर हो गया। यहां सिर्फ एक डिक्टेटर पर मुकदमा चला, खसूसी अदालत बनी, कार्रवाई हुई, उसे आईन और कानून के तहत सजा सुनाई गई, लेकिन क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं क्या हुआ, क्या मुजरिम गिरफ्त में आ गया, क्या सजा मिली? ये सब तो दूर की बात, हुआ तो ये कि अदालती सिरे से गैर आईनी करार दे दी गई। यहां कोई ये अनहोनी बात नहीं, यानी पाकिस्तान में ये कोई अनहोनी बात नहीं कि किसी डिक्टेटर के बड़े से बड़े जुर्म पर भी कोई कार्रवाई ना हो, और अगर हो भी जाए तो कोई उसे छू भी ना सके, और अगर कोई फैसला आ भी जाए तो सिर्फ सजा ही नहीं अदालत को भी हवा में उड़ा दिया जाए। लेकिन आखिर कब तक, कब तक? इसके बरक्स उन सियासतदानों को देखिए जो आवाम के वोटों से वजीर आजम बने, कोई कत्ल हो गया, कोई फांसी चढ़ गया, कोई हाईजैकर बन गया, चोर और गद्दार करार दे दिया गया, किसी को जलावतन कर दिया गया, और कोई उम्र भर के लिए नाअहल हो गया। उनके गुनाह और सजाएं खत्म होने में आ ही नहीं रही, वो झूठे मुकदमात में अपनी माओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों के साथ पेशियां भुगत रहे हैं। दरअसल ये सलूक पाकिस्तान के अवाम के साथ किया जा रहा है और सजा भी पाकिस्तान के अवामी को मिल रही है। आप में से अक्सर को हुकूमत का भी तजुर्बा है, आप जानते हैं कि अवाम की हमायत से कोई जमहूरी हुकूमत बन जाए तो किस तरह उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं और किस तरह अवामी नुमाइंदों की तजलील और तहकीर होती है, किस तरह किरदार कुशी का एक मुनज्जम सिलसिला शुरू हो जाता है, किस तरह कौमी मफाद के खिलाफ किसी सरगर्मी की निशानदेही करने पर उन्हें मुल्क दुश्मन और गद्दार करार दे दिया जाता है। खुलासा यह है कि यहां
या तो माशाल्लाह होता है या फिर मुंतखब जमहूरी हुकूमत से कहीं ज्यादा ताकतवर पैरेलल यानी मुतवाजी हुकूमत कायम हो जाती है, एक पैरेलल निजाम चलता है। गालिबन एक बार साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा था कि यहां स्टेट विदिन स्टेट कायम है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दुख की बात यह है कि अब मामला स्टेट विद इन द स्टेट से आगे निकलकर स्टेट अबव द स्टेट तक जा पहुंचा है। अवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम ना करने और नतीजतन मुतवाजी यानी पैरेलल हुकूमत का मर्ज ही हमारी मुश्किलात का और हमारे मसाइल की असल जड़ है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, ये जड़ है हमारे मसाइल की। और यही वजह है कि आलमी बरादरी में हमारी साख खत्म होकर रह गई। 2018 के इंतखाबात के बाद मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की इदारों की तरफ से इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठाए गए। मैं तो जेल में था लेकिन खबरें मुझे सब मिलती रही हैं। बाज ने तो उन सीटों की तादाद भी बताई जहां धांधली की वजह से नतायज तब्दील कर दिए गए। उन हलकों की इतनी तादाद है कि अगर उनमें धांधली के जरिए नतायज तब्दील ना किए जाते तो बैसाखियों पर खड़ी ये हुकूमत कभी भी वजूद में नहीं आ सकती थी। आज कौम जिन हालात से दोचार है उसकी बुनियादी वजह वो लोग हैं जिन्होंने अवाम की राय के खिलाफ नाअहल हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत किया। इंतखाबात हाईजैक करके इक्तदार चंद लोगों को मुंतकिल कर देना बहुत बड़ी बददियानती और आइन शिकनी है। हम चंद रुपयों की खातिर डाका डालने वालों के लिए तो बड़ी से बड़ी सजा का तकाजा करते हैं लेकिन अवाम के हकूक पर डाका डालना कितना संगीन जुर्म है क्या किसी ने सोचा है? मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, क्या मैं ये पूछने की जसारत कर सकता हूं कि 2018 के इंतखाबात में घंटों आरटीएस क्यों बंद रखा गया? गिनती के दौरान पोलिंग एजेंट्स को क्यों निकाल बाहर किया गया? इंतखाबात में धांधली क्यों कर की गई? किसके कहने पर की गई, किसके लिए की गई और कौन से मफादात के लिए की गई? इसमें साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना होगा और जो लोग भी धांधली के जिम्मेदार हैं उन सबको हिसाब देना होगा। मोहतरम कायदीने कराम, जनाब चेयरमैन, इस नाहल हुकूमत ने 2 सालों में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है इसका कोई अंदाजा कर सकता है? पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है, या जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, नहीं, बात उससे बहुत आगे चली गई है। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। 5.8% की शरह तरक्की से आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान आज 0 से भी नीचे जा चुका है। पाकिस्तानी रुपया भारत और बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान
और नेपाल से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। जिस महंगाई पर हमने मुकम्मल काबू पा लिया था वो आज कई गुना बढ़ चुकी है। गरीब और मुतवसत घरानों के लिए दो वक्त की रोटी भी मुहाल हो चुकी है। बिजली और गैस के बिल अब आम आदमी पर बम बनकर गिरते हैं। आप कभी अंदाजा कीजिए, वाकयतन बम बन के गिरते हैं। पिछले 2 सालों में 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं और 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले 1.2 करोड़ लोगों का रोजगार छीन चुके हैं। इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। आज सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सीपैक सख्त कंफ्यूजन का शिकार है, कर्जे खत्म कर देने का दावा करने वालों ने 2 साल की कलील मुद्दत में कर्जों में इतना इजाफा कर दिया है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं फैक्ट्स और फिगर्स से सारी बात बता रहा हूं, और इसके बावजूद कोई एक भी बड़ा तरक्कियाती मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। वो पाकिस्तान जिसके बारे में बैन अक्वामी इदारे ये पेशगोई कर रहे थे कि अगले चंद साल में ये दुनिया की सबसे बड़ी 20 मईशतों यानी G20 में शामिल हो जाएगा, आज मुआशी तौर पर मफलूज होकर रह गया है। याद रखिए कि अगर पाकिस्तान में वोट को इज्जत ना मिली और कानून की हुक्मरानी ना आई तो ये मुल्क मुआशी तौर पर मफलूज ही रहेगा। और मैं खुले अल्फाज में ये वाजे कर देना चाहता हूं कि ऐसे ममालिक अपने दिफा के काबिल भी नहीं रहते, खास तौर पर उस वक्त जब आपके दुश्मन आपकी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हों। खवातीनों हजरात, मुल्क बदअमनी, अफरा तफरी और जराइम का गढ़ बन चुका है। आए दिन ऐसी परेशान कुन खबरें आती रहती हैं जिनसे अवाम को अमन व अमान से मुतालिक दरपेश परेशानियों का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। शेखुपुरा सियालकोट रोड पर कौम की एक बेटी के साथ पेश आने वाला वाकया दिल दहला देता है। इस साने के बाद मजीद तकलीफ का बायस उस संगदिल पुलिस अफसर का है जो बुनियादी इंसानी इकदार से भी महरूम है। उसका बड़ा अलमिया यह है कि हुकूमत की तमाम तर हमदर्दियां कौम की बेटी के बजाय अपने चहेते पुलिस अफसर के साथ है। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, ज्योग्राफी एतबार से भी इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाने का इख्तियार अवामी नुमाइंदों के पास होना चाहिए। हमारी खारजा पॉलिसी अवामी उमंगों और मुल्की मफादात से हरगिज मुतसादम नहीं होनी चाहिए। खरबों रुपए के नुकसान और हजारों जाने कुर्बान करने के बावजूद हम कभी फैटफ और कभी किसी और कटहरे में खड़े शर्मनाक सफाइयां पेश कर रहे होते हैं। जब कश्मीर का नाम जुबान पर आता है तो 73 साल से दी जाने वाली कुर्बानियां आंखों के सामने आ जाती हैं। कश्मीरी अवाम पर मजालिम का सिलसिला तो कई सालों से जारी है, मगर कश्मीर को हड़प करने का हौसला आज तक किसी का नहीं हुआ। अब भारत ने एक गैर नुमाइंदा और गैर मकबूल और कठपुतली पाकिस्तानी हुकूमत देखकर कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है, और हम
हम एहतजाज भी ना कर सके। दुनिया तो क्या अपने दोस्तों की हमायत भी ना हासिल कर सके। आखिर ऐसा क्यों है, क्यों हुआ ऐसे, क्यों हम आलमी तन्हाई का शिकार हो गए, क्यों आज हमारी बात दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्यों हमारे दरीना और शाना बशाना खड़े होने वाले साथी ममालिक क्यों हमसे दूर हो गए। शाह महमूद कुरैशी ने किस मंसूबे के तहत वो बयानात दिए जिनसे हमारे बेहतरीन दोस्त सऊदी अरब की दिलशिकनी हुई। पाकिस्तान को अपने दोस्त ममालिक की दिलदारी से एतराज करना चाहिए। ओआईसी एक अहम अदारा है जिसकी अफादियत तय शुदा है। पाकिस्तान ओआईसी के बानी ममालिक में शुमार होता है। पाकिस्तान को दीगर ममालिक के साथ मिलकर ओआईसी को मजबूत करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि क्यों हमारे इंतहाई करीबी ममालिक भी आज हम पर एतमाद करना छोड़ गए। ये बहुत जो है ये फिक्र की बात है, लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, इस पे जरूर गौर होना चाहिए। लेकिन क्या इस तरह की हुकूमत होगी तो फिर यही कुछ होगा और आपकी खारजा पॉलिसी को बच्चों का खेल बना के रख दिया गया है। खवातीन हज़रात वक्त आ गया है कि इन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएं। अगर इस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले दो वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी और जनाब राजा परवेज अशरफ साहब मौजूद हैं तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि सिविल हुकूमत के गिर्द किस तरह के शिकंजे कस दिए जाते हैं, किस तरह ऐसी कार्रवाइयां हो जाती हैं जिनका वज़ीर आज़म को इल्म ही नहीं होता। खुद मोहतरम जरदारी साहब को भी इसका इल्म है कि ना वज़ीर आज़म को ना सदर को इल्म होता है और फिर उन कार्रवाइयों की भारी कीमत रियासत को अदा करनी पड़ती है। चार साल पहले अक्टूबर 2016 में कौमी सलामती के अमूर पर बहस के दौरान जब तवज्जो दिलाई गई कि हमारे दोस्तों समेत दुनिया भर के ममालिक को हमसे शिकायत है और हमें अपना एहतसाब खुद करते हुए ऐसे इकदाम करने चाहिए कि दुनिया हमारी तरफ उंगलियां ना उठाए, तो उसे डॉन लीक्स बना दिया गया। एजेंसियों के एहलकारों पर मुश्तमिल जेआईटी बनी, अंदाजा कीजिए जेआईटी बनी। सबूत तो किसी के खिलाफ कुछ ना था लेकिन प्रोपेगेंडा मशीनों के हाथों हमें और मुझे भी गद्दार और मुल्क दुश्मन ठहरा दिया गया। वजीर आजम के अहकाम को एक मातहत इदारे के एहलकार की तरफ से की गई ट्वीट में रिजेक्टेड यानी मुस्तरद का टाइटल अता कर दिया गया। आपको सब याद होगा सी पैक को नाकाम बनाने का सिलसिला 2014 में उस वक्त शुरू हुआ जब धरनों के जरिए चीन के मुअज्जज सदर का दौरा मुलतवी करवा दिया गया। चीन हमारा दरीना और मुखलिस दोस्त है जो पाकिस्तान के साथ हर मौके पर शाना बशाना खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने में और सी पैक के हवाले से सदर शी जिनपिंग का किरदार काबिल तारीफ है। सी पैक का यह अजीम मंसूबा
हुकूमत की उसी नाअहली की नजर हो रहा है जो जिंदगी के हर हर शोबे में नजर आ रही है। अगर मैं ये कहूं तो बेजाना होगा कि सी पैक के साथ पेशावर की बीआरटी जैसा सलूक हो रहा है, जहां कई साल बीत गए, मंसूबे से कई गुना ज्यादा रकम गर्क हो चुकी, मगर नतीजा आज भी नजरों से ओझल है। आए दिन कभी दौराने सफर बसों में आग लग जाती है, तो कभी बारिश नाकिस तामीर का पोल खोल कर रख देती है। यहां नैब के किरदार का जायजा लेना भी जरूरी है। सच्ची बात तो यह है कि एक डिक्टेटर के बनाए हुए इस इदारे को बरकरार रखना हमारी गलती थी, लेकिन यह भी सच है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि यह इदारा इस हद तक गिर सकता है। ये इदारा नहीं बल्कि अंधे हुकूमती इंतकाम का आला कार बन चुका है। इसके कई सीनियर एहलकारों के घुनावने किरदार फाश हो चुके हैं। इस इदारे का चेयरमैन जावेद इकबाल अपने ओहदे और इख्तियारात का इंतहाई नाजेबा और मजमूम इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है, मगर ना तो कोई इंक्वायरी होती है, ना एक्शन लिया जाता है, और ना ही शफाफियत के दावेदार इमरान खान पर कोई जू रीतती है। उसके बावजूद ये शख्स डिटाई से अपने ओहदे पर विराजमान, इंतकाम के एजेंडे पर धड़ल्ले से अमल करता है। लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह इन सब का यौम हिसाब आएगा। इंशाल्लाह बैन अक्वामी इदारे और हमारी आला अदालतें नैब के मनफी किरदार पर बड़ी वाजे राय दे चुकी हैं। ये इदारा इंतहाई बुदबूदार हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पर अपना जवाब खो चुका है। ऑपोजिशन के लोग इसका निशाना बने हुए हैं, जो अपने घर की खवातीन के साथ नैब के दफ्तरों, अदालतों और जेलों में रुल रहे हैं। जो नैब से बचता है उसे एफआईए के सुपुर्द कर दिया जाता है, जो एफआईए से बचे वो एंटी नॉर्कोटिक्स के हट्टे हट्टे चढ़ जाता है, और जो वहां से बच जाए उसे किसी भी झूठे मुकदमे में पकड़ लिया जाता है। 2018 में सेनेट के इंतखाबात से कुछ अरसा पहले खवातीनों हजरात एक मजमूम साजिश की गई, मैं आपकी तवज्जो मबजूल करा रहा हूं। उस मजमूम साजिश के जरिए बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत गिरा दी गई। उसका मकसद क्या था मालूम है आपको? उसका असल मकसद सेनेट के इंतखाबात में सामने आया। उस साजिश के किरदारों में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो उस वक्त वहां के कोर कमांडर थे, सदन कमांड के कमांडर थे, उनका नाम भी आता है। ये वही जनरल आसिम सलीम बाजवा हैं जिनके खानदान की बेपनाह दौलत और दुनिया भर में फैले हुए असासों की तफसीलात पूरी कौम के सामने आ चुकी हैं। उन हकाइक को ना सिर्फ छुपाया गया बल्कि मुबैना तौर पर एसीसीपी के सरकारी रिकॉर्ड में रद्दो बदल भी की गई।
पंद्रह बीस साल के अरसे में अरबों रुपए की ये सांसें कहां से बन गए, ये पूछने की किसी की मजाल नहीं। मीडिया पर खामोशी छा गई, ना नैब हरकत में आई, ना किसी अदालत ने नोटिस लिया, ना कोई जेआईटी बनी और ना कोई रेफरेंस दायर हुआ, ना कोई मॉनिटरिंग जज बैठा, ना कोई पेशी हुई, ना कोई सजा। अंदाजा लगाइए बाप, एहतसाब का नारा लगाने और एनआरओ ना देने के बड़े बड़े दावे करने वाला इमरान खान, उन्होंने भी इसासों के जराए पूछने की जरूरत तक न की, बल्कि एक पल में उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। ये सारा कुछ आपके सामने हुआ है। मीडिया पर पहली बार इस स्कैंडल का जिक्र उस वक्त हुआ जब जनरल आसिम सलीम बाजवा तरदीद के लिए खुद टीवी पर आए। इस हुकूमत के दो सालों में यह कोई पहला माली बदनवानी का स्कैंडल नहीं, यहां कई इंतहाई संगीन स्कैंडल सामने आ चुके हैं जिनका नुकसान बड़ा रास गरीब आवाम को पहुंचा। हुकूमत में बैठे लोग बाकायदा प्लानिंग से आटे, चीनी और दवाइयों की कीमतें आसमान पर ले गए। याद है ना आपको, जब हम छोड़कर गए थे चीनी 50 रुपए किलो थी, आज कितनी है? आज कहते हैं 100 रुपए तक जा पहुंची है। और आटे की कीमतें भी देख लें आप, दवाइयों की कीमतें आसमान तक पहुंच गई हैं। अवाम के खरबों रुपए लूट लिए गए। मुल्क का हुक्मरान अगरचे दिन रात करप्शन माफियाज और एनआरओ का ढंढोरा पीटता है, लेकिन चीनी की कीमत बढ़ाने में खुद उसकी जात मुलव्वस है। क्या नैब उसे तहकीकात के लिए गिरफ्तार नहीं करेगा? क्या उस पर कोई रेफरेंस दायर नहीं होगा? अलीमा खान साहिबा जो कोई जद्दी पुश्ती रईस नहीं, बस खैराती इदारों की फंड रेजिंग करती रहती हैं, उनके बैरून मुल्क असासों के जराए की नैब कभी कोई छानबीन नहीं करेगा? बनीगाला में इमरान खान के जाती घर, उसकी गैर कानूनी तामीर की फाइल क्या यूं ही बंद रहेगी? फॉरेन फंडिंग केस जिसमें बेशुमार माली बेजाब्तगियां हैं और करप्शन है, जिनकी गवाही खुद पीटीआई के रहनुमा दे रहे हैं, इतने साल गुजर जाने के बावजूद क्या इलेक्शन कमीशन उन पर कोई फैसला नहीं करेगी? ये बड़े ऐसे जानदार सवालात हैं जिनका आज तक कोई जवाब सामने नहीं आया। हम कब तक इंतजार करेंगे? क्या इन तमाम लोगों पर कोई फौजदारी मुकदमा कायम नहीं होगा? क्या बनीगाला में जमीन की खरीद की मनी ट्रेल पर कोई जेआईटी नहीं बनेगी कि ये इतनी बड़ी जायदाद कहां से बनी और कैसे बनी? उसमें बहुत करप्शन और शुकूको शुबात है। कल असेंबली अराकीन के टैक्स कोषवारों की तफसील सामने आई। इमरान खान ने अरबों रुपए की जायदाद रखते हुए भी 2,83,000 रुपए का टैक्स दिया है। भाई सवाल यह है कि जब आमदनी इतनी कलील है, इतनी कम है,
तो आपके लाहौर जमान पाक के घर पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए कहां से आए? ये बताना होगा, क्या नैब इन आमदन से ज्यादा असासों पर कोई एक्शन नहीं लेगा? एहतसाब के इदारों को अपोजिशन के सवा किसी के एहसास से नजर नहीं आते और ना ही किसी की आमदनी के जराए। रियासत मदीना तो बहुत बुलंद व बरतर मिसाल है। कानून व इंसाफ का अदना समयार रखने वाली रियासत में भी ऐसा नहीं होता। क्या कुछ लोग इस दोहरे मियार की वजह से किसी जुर्म के बगैर सजाएं पाते रहेंगे और कुछ लोग सब कुछ करके भी बेगुनाही और मासूमियत के सर्टिफिकेट हासिल करते रहेंगे? कौम कब तक देखने और जानने के बावजूद खामोशी से ये सब कुछ सहती रहेगी? क्या हम ऐसा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं? फैसला कर लें आज, क्या हम ऐसा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं? मैं तो कहूंगा नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे एक बड़ा पुराना एक शेर याद आ रहा है, दिल बुग्ज़ो हसद से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है इसे बेनूर न कर। ना अहलो कमीना की खुशामत से अगर जन्नत भी मिले तुझको तो मंजूर न कर। मैं तो इन ख्यालात का हामी हूं, इस नजरिए का हामी हूं। ख्वातीनों हजरात, मीडिया को रियासत का चौथा सुकून सतून कहा जाता है। इजहार की आजादी बुनियादी इंसानी हकूक में से एक है। अफसोस के दीगर हकूक की तरह पाकिस्तानी आवाम से यह हक भी छीन लिया गया। एक तरफ मुझे सियासी जमातों का ब्लैकआउट नजर आता है और दूसरी तरफ गैर सियासी और गैर जमहूरी अनासर का बेरोक टोक प्रोपेगंडा। कहीं मुझे चैनलों की गैर कानूनी बंदिश नजर आती है तो कहीं अखबारात और जरायद की मखसूस इलाकों में तकसीम पर पाबंदियां। रियासती ताकत से मीडिया की जुबान बंदी कहां का इंसाफ है? सहाफियों बिलखसूस खवातीन सहाफियों को सरकारी एजेंसियों का उठाकर ले जाना और तशद्दुद पर निशाना बनाना बुजदिलाना और इंतहाई काबिले मजम्मत है। सीनियर सहाफियों को चैनलों या अखबारात की मुलाजमत से बर्खास्त करवा देना, बेबुनियाद मुकदमात में उलझा देना और कैद में डाल देना, क्या एक जमहूरी रियासत का तरीका है? मैं इस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत से दरखास्त करूंगा कि सब मिलकर ये अहद करें कि हम मीडिया और जराए अबलाग की हिफाजत करेंगे और इसकी आजादी पर कोई कदगन कबूल नहीं करेंगे। खवातीनों हजरात, मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, जमहूरियत को कमजोर करने और अपना मखसूस एजेंडा नाफिज करने के लिए तकसीम करो यानी डिवाइड एंड रूल यानी लड़ाओ और हुकूमत करो कि पॉलिसी मामूल बन चुकी है। कुछ अर्सा पहले तक ये तकसीम सियासतदानों तक महदूद थी जिन्हें मखसूस हलकों की तरफ से बुलाया डराया और धमकाया जाता था। ये तरीका सियासी जमातें तोड़ने
और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने या फिर मर्जी की पार्टियां बनाने के लिए इस्तेमाल होता रहा और आज भी होता है। महकमा ज़रात को तो आप समझते ही हैं। आज हमें यह फैसला करना होगा कि हम एक हैं और कौमी मफाद की खातिर तकसीम होने से इनकार करते हैं। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर यह कॉन्फ्रेंस कामयाब है। ऐसा करने में अगर हम कामयाब हो गए तो ये कॉन्फ्रेंस हमारी तारीख का बड़ा संगे मील बन सकती है। अब डिवाइड एंड रूल का ये हथियार वकला, दानिश्वरों, ताजरों, सनतकारों और मीडिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि अब उसका हदफ अदलिया भी है। जो जज इंसाफ और कानून की राह पर चलता है और दबाव में आने से इनकार करता है, उसे ओहदे से हटाने की साजिशें शुरू हो जाती हैं। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी और जस्टिस काइज काजी फायज ईसा की मिसालें हमारे सामने हैं। ये दोनों जज साहबान दयानतदारी, सच्चाई और अमानतदारी की शोहरत के हामिल हैं। आज तक किसी फोरम ने ये तहकीक जरूरी ही समझी कि जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने जो कुछ हल्फन कहा, यानी हल्फ पर कहा, उसका भी तो जायजा लिया जाए। बाज़मीर जजों के साथ यहां ऐसा ही सलूक किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहां इंसाफ पसंद और अमानतदार नहीं, बल्कि ऐसे मुनसिफ तलाश किए जाते हैं जो इनके हर जायज और नाजायज मुतालबात तस्लीम करें। इनके जबरो इस्तबदाद और ब्लैकमेलिंग के आगे सरे तस्लीम खम करें, नजरिया जरूरत बनाएं और परवान चढ़ाएं। आईन को सेबोटाज करने वाले डिक्टेटरों के इकदामात को कानून का जामा अता करें, उनके गले में हार पहनाएं, उनको वेलकम करें, खुशामदीद कहें उनको, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, आपकी तो जरूरत थी आज, ये तो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आपने माशाल्लाह लेट लगाया है, ये पहले लगाना चाहिए था। सबसे पहले प्लेट में फूल लेकर उनको पेश किए जाते रहे हैं। और फिर आर्टिकल 6 जैसे संगीन जुर्म के मुल्जम को आईन में तरमीम का इख्तियार अता किया जाता है। ये सब तमाशा आपने अपनी आंखों से देखा है, उसके बावजूद ये सब कुछ दोबारा कहने की नौबत आ रही है। यानी ये सब कुछ हो रहा है और अवाम के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फांसी दें, जेलों में डालें, जलावतन करें और उनको और उनके खानदान को जलील और रुसवा करें। इस कॉन्फ्रेंस को आइन की हुक्मरानी और वोट की इज्जत के तहफ्फुज़ के लिए आज एक जामे लाए अमल तजवीज करना चाहिए। अगर मिसाक जमहूरियत की बुनियाद पर किसी नए मिसाक की तश्कील जरूरी हो तो उस पर गौर किया जाना चाहिए। मुतवाजी यानी पैरल हुकूमत की बुनियादी मसले को हल करने के लिए ठोस हिकमत अमली बनाई जाए। अवाम की राय पर अपनी राय मुसल्लत करने का नतीजा सकूते ढाका की शक्ल में सामने आया था, लेकिन उस अजीम साने को भी बड़ी सर्द महरी के साथ फरामोश कर दिया गया। मेरी तजवीज है कि यह कॉन्फ्रेंस हमूदुर रहमान कमीशन की सिफारिशात को
अवाम के सामने लाए, बहुत दफा इसका जिक्र हो चुका है और बार बार हो चुका है, कई सालों से हो रहा है, कई दहाइयों से हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज उन्हें अमली जामा पहनाने का ऐद करना चाहिए और इसे अपने एजेंडे का हिस्सा बनाना चाहिए। इस तरह के ठोस इकदाम ही से मुल्क को इस दलदल से निकाला जा सकता है। इस वक्त हमारी अवलीन तरजीह इस गैर नुमाइंदा और नाहल और सिलेक्टेड हुकूमत और उससे कहीं ज्यादा अहम इस निजाम से जिसका मैंने जिक्र किया है, इससे निजात हासिल करना है। इमरान खान हमारा एज सच हदफ नहीं है, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। ये मैं इलेक्शन से पहले भी कह चुका था और आज भी कह रहा हूं, आज हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है और उनके खिलाफ है जिन्होंने इस तरह इन्हें इलेक्शन चोरी करके इस तरह के नाहल बंदे को इस जगह पर लाकर बैठाया है और मुल्क को बर्बाद कर दिया है। ये मुल्क हमें तमाम चीजों से ज्यादा अजीज है, जिसने अवाम और अपोजिशन के साथ साथ अच्छी शोहरत के हामिल जज साहबान को भी निशाना बना लिया है। ये तब्दीली अमल में ना आई तो ये नाहल और जालमाना निजाम मुल्क को नाकाबले तलाफी नुकसान पहुंचा देगा। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे दुश्मनों के अजाइम क्या हैं। उनके अजाइम को नाकाम बनाने के लिए मजबूत मईशत के साथ साथ मजबूत दिफाई निजाम की भी जरूरत है। हमने पहले भी इस मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह एटमी कुव्वत बनाया है और हर वो जरूरत पूरी की है जिसके लिए हमारे दफा को जरूरत थी। हमारी कौमी सलामती के लिए जरूरी है कि हम अपनी मईशत के साथ साथ अपनी मुसल्ला अफवाज को भी मजबूत से मजबूत तर बनाएं। हमने इस काम में माजी में भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कोताही नहीं की और आइंदा भी हमारी ये तरजीह रहेगी। हमारे दफा की मजबूती और कौमी सलामती के लिए सबसे अहम ये है कि हमारी मुसल्ला अफवाज आईने पाकिस्तान अपने दस्तूरी हल्फ और कायदे आजम की तलकीन के मुताबिक खुद को सियासत से दूर रखें और अवाम के हक के हुक्मरानी में मुदाखलत ना करें। किसी के कहने पे प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट फलांग कर प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल होकर प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार ना करें, बंदूक की नोक पर गिरफ्तार ना करें। ऐसा इन आंखों ने देखा है, उसका मुशाहिदा किया है, वो मंजर मेरी आंखों के सामने रहते हैं और बड़ा दुख होता है कि हमने अपने मुल्क को क्या बना दिया है, एक तमाशा बना दिया है अपनी नजरों में भी और दुनिया की नजरों में भी। जनाब चेयरमैन और मुअज्जज़ ख़वातीनों हज़रात, आखिर में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एपीसी इत्तेफाक राय से जो भी हिकमत अमली और लाए अमल तरतीब देगी, मुस्लिम लीग नून उसका भरपूर साथ देगी। शहबाज शरीफ साहब यहां पर बैठे हैं, हमारी पार्टी के दीगर कायदीन बैठे हैं, इंशाल्लाह हम भरपूर साथ देंगे और एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपनी ये गुजारिश एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि एपीसी रवायत से हटकर हकीकी तब्दीली के लिए ठोस और मुअस्सर इकदाम तजवीज करें। हमारे कई दोस्त आज कैदोबंद की सहूबतें काट रहे हैं। जनाब खुर्शीद शाह साहब, कोरोना में मुबतला हमजा शहबाज शरीफ साहब, मीर शकील रहमान साहब और दीगर साथी नाकर्दा गुनाहों की सजा में
जेल काट रहे हैं, हमारा मकसद बड़ा है। कल यही कुर्बानियां हमारी नई सुबह की एहसास और हमारी मंजिल के हसूल का इंशाअल्लाह बायस बनेंगी। मैं आप सब कायदीन का बेहद शुक्रगुजार हूं और अपने मेज़बान जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपने अपनी गुजारिशात पेश करने का मौका दिया। मेरी और पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर मुनासिब हो तो प्लीज सबकी राय के मोबाइल फोन्स जमा करा दें प्लीज। वैसे वो कर रहे थे, डोंट वरी। लंच के बाद हमारा ये इरादा ही था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपको अपने दिल से शुक्रिया करते हैं, और जिस तरीके से आपने, आप दोनों ने मुल्क के जो मिसाइल है हमारे सामने रखे हैं और पूरा मुल्क आपका आवाज़ आज सुने हैं, बहुत ही खुश है कि इतने देर बाद उनको सदर जरदारी साहब की तरफ से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से इतना वाज़े पैगाम, और हमारे लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, मुस्लिम लीग नवाज के लिए, यहाँ के सारे जमातें के लिए आपके जो अल्फाज हैं, आपके जो आपका जो वर्डिंग है वो हमारे लिए हदायत है, इंस्ट्रक्शंस है। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू डिबेटिंग व्हाट यू हैव पुट बिफोर अस विद ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज and reaching a necessary conclusion. हमने बहुत कोशिश किया था कि हम इस event को budget के वक्त करवाएं, और हमारा ज़हन में ये था कि अगर budget से पहले सारे opposition parties मिलते और budget को मुसरत करते तो जो आज अवाम का मुआशी सूरत हाल है, मुआशी मुश्किलात है, हम उनमें उस उनको अवाम को कोई मदद दे सके। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं मौलाना फजल रहमान साहब का और शबाज शरीफ साहब का और सारे रहबर कमेटी के मेंबरान का जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि हम आज की अहम और तारीखी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को होस्ट करें। हमने इसकी जो बुनियाद है, जो टाइटल है, दो साल पीटीआई की सिलेक्शन का, पीटीआई की एक्सपेरिमेंट का नतीजा, और ऑपोजिशन के लिए आगे का जो लाए अमल है वो हमने टॉपिक बनाया है। और अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं, वो इस एपीसी से ना मामूली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहते हैं, ना सिर्फ हमारा बयानात चाहते हैं, वो ठोस लाहे अमल चाहते हैं जो उनको वो आज़ादी दिला सके जिससे वो आज तक महरूम हैं। वो चाहते हैं कि वो आज़ादी जिनको उनका आईन उनसे वादा करता है कि उनका हक है, वो आज़ादी जिसका वादा कायदे आज़म ने किया था, वो वादा पूरा हो। और हमारे सामने अब दो साल का ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका नतीजा सामने आ चुका है कि अगर जमहूरियत नहीं है तो अवाम का मुआशी हकूक पे डाका डाला जाएगा, और जिसके नतीजे में अब पाकिस्तान की 70 ईयर्स की इकोनॉमिक हिस्ट्री में इतना बुरा सूरत हाल हमारे अवाम का सामना नहीं करना पड़ा, ना बेरोज़गारी की सूरत में, ना गुरबत की सूरत में, ना इन्फ्लेशन में, ना इस पोर इकोनॉमिक ग्रोथ की नतीजे में। और जैसे मियां साहब ने बहुत अच्छे अल्फाज में हमारे सामने लिखा है
कि जब जमहूरियत नहीं है तो ना सिर्फ मीशत को पर मुआशरे को हर तरफ से कमज़ोर किया जाता है। हमारे आंखों के सामने हमने देखा है कि कैसे इन 2 सालों में हमारा सोसाइटी को नुकसान हुआ है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर को, हमारे मुआशरे में जो क्राइम है वो कैसे भरता जा रहा है। हमने ये भी देखा है कि जब मुंतखिब नुमाइंदे नहीं होते तो अवाम का आवाज़ इवन तारीखी मुश्किलात में नहीं सुना जाता। अभी हाल ही में जिस तरीके से इन मानसून के बारिशों के बाद, सैलाब के बाद पाकिस्तान के अवाम को लावारिस छोड़ा गया, मेरा ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में किसी नेशनल डिज़ास्टर के दौरान अवाम को इस तरीके से लावारिस नहीं छोड़ा गया है। जिस तरीके से एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान हमारा डॉक्टर्स, हमारा नर्सेज, हमारा पैरामेडिक्स को मदद करने के बजाय वो हुकूमत के निशाने पर थे, उन पे जुल्म किया गया, उनका आवाज़ दबाया गया, और जिस तरीके से आज तक यहाँ के पाकिस्तान के किसान, मजदूर, सफ़ेद पोश तबका, ताजर, सब के सब सरापा एहतजाज है। हमारा मीडिया एनवायरनमेंट मियाँ साहब ने हमारे सामने, पूरे मुल्क के सामने रख लिया है, जहाँ एक साबिक वज़ीर आज़म को ये हक नहीं होगा कि वो आज़ादी से पाकिस्तानी मीडिया पे बोले, जहाँ किसी साबिक वज़ीर सदर को ये हक नहीं होगा कि वो आज़ादी से मीडिया पे बोले, ये फिर हम सोच ही सकते हैं कि अवाम कैसे अपना बयान करे। अवाम अपना आवाज़, अपना दुख, अपना दर्द, अपने मसाइल कैसे सामने लेकर आए अगर उनको एहतजाज करने का हक नहीं है, अगर उनको मीडिया में अपना बयानिया देने का हक नहीं है, अगर उनके मुंतखिब नुमाइंदे नेशनल असेंबली में भी बोल नहीं सकते, अगर उनके मुंतखिब नुमाइंदे ना सिर्फ नेशनल असेंबली में बोल नहीं सकते हैं मगर वो अपना वोट का गिनती नहीं करवा सकते हैं। जॉइंट सेशन में, जो इस मुल्क का सबसे अहम फोरम होता है, तो अवाम के लिए क्या उम्मीद होगा, क्या उम्मीद होगा, हम क्या रास्ता छोड़ रहे हैं। ये जो कुवतें हैं, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसने हमारा अवाम से जमहूरियत छीनी है, जिसने ये कठपुतली निज़ाम हम पर मुसलत किया है, उनको अब हमें समझाना पड़ेगा, हमें उनके सामने अवाम का मुतालमा डालना पड़ेगा कि हमें इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को आज़ादी दो। हमें मुतालबा करने पड़ेगा कि हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था जनरल इलेक्शंस में, आपको हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। ना सिर्फ इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा, लेकिन जगह जगह जहां ऑपोजिशन से ये हक छीना गया है, चाहे वो अदालत में हो जहां ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, चाहे वो मीडिया पे हो जहां ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं मिलता, और अब पार्लियामेंट में भी ये है कि ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो यहाँ के बैठे लीडर से, सीनियर से, जो MRD में, मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी में हमारे साथ रहे, जो ARD में, अलायंस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी में साथ रहे, जो यहाँ के सीनियर्स ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे काम किए थे, उनसे उनसे हमारा दरख्वास्त है, आप सब से हमारा रिक्वेस्ट है, आप सब ने हुकूमत देखा है, आप सब ने इख्तियार संभाला है, पावर संभाला है, हुकूमत संभाला है, आपने आपने हर सूरत हाल देखा है, आपने आमरियत भी देखा है, आपने कंट्रोल जमहूरियत भी देखा है, अब आपको ऊपर भी एक जिम्मेदारी आता है कि आप नया नस्ल के लिए
हमारे साथ मिलके हकीकी जमहूरियत का मुतालबा करे। इसको यकीन, इसको हकीकत में तब्दील करने के लिए हमें एक बार फिर, चाहे वो मूवमेंट ऑफ फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो या अलायंस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो, हमें उसी एतिहाद के साथ, उसी यूनिटी के साथ एक और अलायंस फॉर्म करना पड़ेगा, जिसका बुनियाद एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, जिसका मंशूर एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो। इसको हमारा मंशूर बना के फिर हम सबको निकलना पड़ेगा, ना सिर्फ लाहौर में या इस्लामाबाद में, मगर इस मुल्क के देहातों में, गवादर में, बलूचिस्तान में, पेशावर में, फाटा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, इस मुल्क के छोटे शहरों में, देहातों में, हम सबको निकलना पड़ेगा। अगर हमारा आवाज़ मीडिया के थ्रू नहीं जाएगा तो हम सबको आवाम के पास जाना पड़ेगा, उनके दरवाज़ा तक जाना पड़ेगा और उनको हमारे साथ मिलाना पड़ेगा, उनको हमारा ताकत में तब्दील करके हमें ना सिर्फ इस हुकूमत को सरकों से लड़कारना है, इस हुकूमत के सहूलतकारों को सरकों से लड़कारना है, मगर उनको वहाँ से चैलेंज करना है जहाँ वो आज ऑक्यूपाई कर रहे हैं। वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं प्रोविंशियल असेंबलीज को, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं नेशनल असेंबली को, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान को। आप सबके पास एक्सपीरियंस है, आप सब जानते हो कि हम कैसे ना सिर्फ उनको सड़कों पे चैलेंज कर सकते हैं, मगर हमें अपना ऐवानों को आज़ाद करवाना पड़ेगा, उनका ऑक्यूपेशन को ख़त्म करना पड़ेगा। हम अगर अपने ऐवान को आज़ाद नहीं कर सकेंगे तो हम अवाम को क्या यकीन दिला सकेंगे कि हम उनको आज़ाद करा सकेंगे। ये मेरा सोच है, मेरा तजवीज़ है। अब मैं आप सबसे सुनना चाहूँगा, अब सबसे एडवाइस लेना चाहूँगा, और जो भी ये फोरम डिसाइड करता है, जो फैसला ये फोरम करता है, हम उसके साथ खड़े हैं, उसको करने को तैयार है, आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है। हमने पहले भी कुर्बानियाँ दिए हैं, अब हम उन कुर्बानियों का हिसाब लेना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला हम मिलके आवाम को इस मुसीबत से, इस आज़ाब से आज़ादी दिलवा के रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। हमारा बहुत ही लंबा प्रोग्राम है। मैं शहबाज़ शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दे दे, और प्लीज़ हमें मौका दे। मैंने इन सब को कुछ खाना खिलाना है। अगर खाने के बगैर हम ये इवेंट शुरू होते हैं तो शायद एक दूसरा नतीजा निकलेगा। मियां मोहम्मद शहबाज़ शरीफ साहब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।